देखिए सिंपली ये बीजेपी चाहती है कि अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से छेड़े, तो वो पॉसिबल है नहीं जब तक, क्योंकि ये लॉ अमेंडमेंट सभी होंगी जब असेंबली होगी, साइमल्टेनियसली इनको इलेक्शन कराने होंगे. दिस इज टोटली रेडिकुलस ऑन हिज पार्ट दैट ही इज लाइक, ये अब इतना नीचे गिर रहे हैं, भाजपा सरकार अब इतना नीचे गिर रही है कि अब वो हरकतें करने लगी है जो अब स्टेट का पीस भी ख़राब होगा जिससे. तो मेरे ख्याल से उनको पहले इलेक्शन यहाँ पे कराने चाहिए स्टेट में, उसके बाद ये बातें बात की हैं. लेकिन सबसे पहले तो गवर्नर साहब को पहले भी बोला कि यहाँ पे प्रेजिडेंशियल लॉ ख़त्म होना चाहिए, इलेक्शंस को जल्दी कराने चाहिए, क्योंकि लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं. कुछ चार पांच लोग सेक्रेटरीट में बैठे हैं, वो लोग तो सबको एड्रेस नहीं कर सकते ना, हर एक प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर सकते. तो लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए अपने इलाके के, जो उनकी बात सुने, जो उनको समझे. आप देखिए ये तो वो हाल हो गया कि आज लोग यतीम पड़े हैं. अब इनको समझना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, कश्मीर के लोग, जे एंड के स्टेट के लोग, ये सारे लोग सफ़र कर रहे हैं. एक ही बात नहीं है, एजुकेशन भी ख़राब हो रही है. आप देखिए रोड्स डेवलपमेंट खराब, मतलब कुछ कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा है. और कितने लोग सेक्रेट आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, गरीब लोग हैं. तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पर